2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी नेता जनता के बीच जाकर अपनी बातें रख रहे हैं, जिसके चलते उत्तरकाशी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य सुरेश चौहान ने डुंडा के गाजना क्षेत्र में जन जागरूकता रैली कर जनता के बीच अपनी बातें रखी। वही इस बीच सुरेश चौहान ने कहा कि गाजना क्षेत्र को नेताओं ने हमेशा विकास के मामले में पीछे रखा है और यहाँ हवाई नेता आते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर खुद को जननायक घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अगर गंगोत्री से उनको टिकट देती है तो उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और आज आपकी यहाँ पे रैली रही है, तो आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या है आपका ये विजन है? विजन तो बहुत सारे हैं। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो जो जनता में जो आज भी जनता मूलभूत जो पहाड़ की जो मूलभूत की स्वरोजगार कि हमको आज तक जो है स्वरोजगार नहीं मिला, हम लोगों को अभी प्लान करना पड़ता है, तमाम कई प्रकार की स्थितियां पहाड़ के अंदर हैं। तो मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, ब्लॉक प्रमुख रहा और भली भांति इस बात से परिचित हूँ कि वास्तव में जो हमारे पहाड़ के जन मुद्दे हैं, जो हमारे गांव में बसने वाले जो लोगों के मुद्दे हैं, उन पर किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को जो है मजबूत किया जाए, किस तरह से जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा बेरोजगार जो प्लान करते हैं, उनको किस तरह से स्वरोजगार से गाँव में ही जोड़ा जाए, इसके लिए मेरा एक अभियान रहेगा। और इस समय पूरी गंगोत्री विधानसभा में एक बयार है कि तीसरा चेहरा और जो मजबूत चेहरा हो, जो जनता के बीच दिन रात जो है काम करता हो, जिसकी एक सोच हो, एक विजन जिसके पास हो, तो उस विजन के लेकर मैं जनता के पास गांव-गांव जाता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं और उनकी बात को सुनता हूं। वास्तव में पहाड़ में बहुत कठिनाइयाँ हैं, आज भी जो हमारी माता और बहनों के जो पीठ के बोझ हैं वो अब तक कम नहीं हुए। हम बागवानी के क्षेत्र में हों, चाहे हम पशुपालन के क्षेत्र में हों, कहीं हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है और जनता का बहुत अपार जन समर्थन जगह जगह मिल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास मेरे पे विश्वास किया तो मुझे विश्वास है कि एक नई दिशा और दशा गंगोत्री विधानसभा में बनाने का काम करूँगा। और आज तो जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनका भी जो विजन है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, वो भी कि किस तरह से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, और हमारी पार्टी का ये एजेंडा भी है, लेकिन इसको धरातल पर, क्योंकि अलग जगह की जो हमारा प्लेन जो क्षेत्र है उसकी स्थिति अलग है और पहाड़ों की स्थिति अलग है, तो एक नया जो मेरा एक सपना था, कई मुद्दे हैं, कई विजन हैं, समय आने पर ये सब बातें होंगी। आज जो है गाजना क्षेत्र में जो है अपार जन समर्थन जो है यहाँ पर मिला और आशीर्वाद, जन आशीर्वाद के रूप में